नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की और गठबंधन में दरार की, खींचतान की। और बिहार की बात क्यों? क्योंकि बिहार से ही राजनीति के ऊंट ने करवट बदली थी। मैं सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं। तब नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में थे और विपक्ष को लामबंद करने का बीड़ा उठाया, अगुवाई की, इंडिया के रचयिता बने। लेकिन 2024 आते आते वो एनडीए के कर्णधार बनते दिखाई दिए, घर वापसी कर ली। तो हम साथ साथ हैं, साथ दल साथ थे, वो बिखर गया गठबंधन। लेकिन एक नया गठबंधन भी खड़ा हुआ और नया गठबंधन, नया एनडीए भी शक्ल अख्तियार करता दिखाई दिया। खींचतान दोनों तरफ चली और कई दिनों नहीं, कई हफ्तों तक। लेकिन अब मेल होता दिखाई दे रहा है। और इंडिया से, इंडिया खेमे से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब उनका सीटों का बंटवारा मुकम्मल हो गया है। कल दोपहर 12 बजे पटना में बाकायदा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। और जो हमें खबर मिल रही है, आरजेडी के पाले में 26, कांग्रेस को 9 सीटें और वाम खेमा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर एक कहावत है, जाट न जब मरा जानियो जब तेरामी होले। तो कल जब ऐलान होगा तब तक का भी क्या हमें इंतजार करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई पेच उलझता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है दोनों ही खेमे में। इंडिया में अब बड़ा पेच बन गए हैं पप्पू यादव, राजेश रंजन, 5 बार के सांसद। उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में भी कर लिया और पूर्णिया से ताल ठोक रहे थे कि यहां से मैं उम्मीदवार। लेकिन खेल हो गया पप्पू के साथ। अब पास हुए हैं पप्पू या फेल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खेल जरूर हो गया। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को बाकायदा अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, ये दावा बीमा भारती कर रही है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं। अब पप्पू यादव, जैसा मैंने आपको बताया, 5 बार के सांसद और पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये वो इलाका है जहां पर ठीक ठाक दबदबा है पप्पू यादव का। तो अब पप्पू यादव क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, AIMIM वो गेम स्पॉइलर, वोट कटवे की भूमिका में रहता है। ये हमने 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर भी देखा। तो क्या AIMIM यानी कि पतंग उड़ाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे क्या पप्पू? और कांग्रेस क्या अब 9 सीटों पर मुतमईन हो जाएगी? और सीट की संख्या अलग होती है, सीट क्या दी जा रही है, क्या इस पर जो कलह थी वो ठीक होती दिखाई दे रही है? जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं किशनगंज, कटिहार, बेतिया, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर और सासाराम, ये 8 सीटें तो कांग्रेस को दिया जाना तय है। और वाम खेमे के खाते में आरा, काराकट, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया की सीट आने वाली है। अभी इसमें एक और पेंच बचा हुआ है, पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा। अब वो किस तरफ जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने तो कह दिया है कि नहीं, हम तो जी नीतीश के साथ ही रहेंगे, हम तो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा रहने वाले हैं। उनको लेकर भी संशय होने लगा था। तो पशुपति पारस आएंगे तो खेल क्या कुछ और बनेगा, बिगड़ेगा?
और क्या उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे और अपने भतीजे के खिलाफ ही क्या खड़ा करने के लिए आरजेडी तैयार हो जाएगी। वैसे उनके भतीजे अब नीतीश कुमार से मिलने गए हैं, जिनसे उनका कहने को और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है, 36 का आंकड़ा है, वो लगातार सवाल उठाते आए हैं नीतीश कुमार के कामकाज पर। तो ये तो बात हो गई इंडिया गठबंधन की, लेकिन एनडीए की बात करें, एनडीए में 17 सीटें बीजेपी, 16 सीटें जेडीयू, 5 सीटें चिराग पासवान, जिस भतीजे की मैं बात कर रहा था, और एक जीतन राम मांझी, एक उपेंद्र कुशवाहा, ये मोटा मोटा तय हो गया है। लेकिन क्या जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित हो सकती है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहां पर आप देखेंगे बीजेपी ने कहने को डबल इंजन सरकार, लेकिन ये इंजन लगातार बदलते रहते हैं। बिहार में 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने, पहले वो तेजस्वी यादव के साथ थे, अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो बीजेपी ने भी 3 उम्मीदवारों के टिकट बदले हैं और जेडीयू ने 2 के। ये मजबूती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी भी हम झेल लेंगे, या ये मजबूरी है क्योंकि 16 सीटें 17 में से तो जीत गए थे नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 43-44 सीटों पर सिमट गए थे। तो खुद अपनी ताकत पर वो कितनी सीटें जीत पाते हैं, ये भी अभी देखने वाली बात होगी, या एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और इसीलिए रिपीट कर दिया गया है ज्यादातर एमपीज को। और इसमें मजबूती और मजबूरी शब्द का इस्तेमाल मैंने अनायास ही नहीं किया है। खबर क्या आ रही है, 2 सांसद इनके टिकट बदल दिए गए हैं। अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद और छेदी पासवान सासाराम के सांसद, अब ये महागठबंधन में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब जो बिहार का खेला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, और बिहार उन राज्यों में से है स्विंग स्टेट्स की हम लगातार बात करते हैं कि जो तय करेंगे दरअसल 2024 के नतीजे क्या आते हैं। उसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। और बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। यहां पर बड़ा नुकसान वो लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने तमाम दरवाजे बंद करने के बावजूद नीतीश कुमार का बाकायदा लाल कालीन बिछाकर घर वापसी में स्वागत किया। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, एक बिहार से जुड़ा हुआ, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, बिहार में इंडिया का मेल, बाकी है पप्पू का खेल और 24 का घमासान। खत्म हो गई खींचतान, बिहार में खत्म हुई है, इंडिया की खत्म हो गई क्या, महाराष्ट्र में खींचतान। चर्चा में मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा चेहरा हैं अभिषेक झा, आरएलजेडी मैंने अभी जिक्र किया उपेंद्र कुशवाहा का, उनकी पार्टी के महासचिव और युवा चेहरा ये खुद भी हैं माधव आनंद, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी, और पप्पू यादव जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव के लिए जुड़ने वाले हैं। अब शक्ति, शक्ति दिखाने का तो वक्त आ गया, बंटवारा भी हो गया, पर मैंने वही जो कहावत का इस्तेमाल किया हमारे इलाके में, वो कहते हैं आपके इलाके में भी थोड़ा तर्जुमा करके कहते होंगे, जाट ने जब मरा जानियो जब तेरामी हो ले। तो अभी 12 बजे का इंतजार किया जाए या 26:05 हो गया डील फाइनल? संदीप जी, सबसे पहले आपको बधाई इस बात को लेकर के आज आपने डिबेट रखा, बिहार का संदर्भ इसमें आपने चुना। हमने शुरू में भी कहा था और आज दोहरा रहा हूं, स्वाभाविक गठबंधन है महागठबंधन बिहार के अंदर, और ये गठबंधन स्वाभाविक तौर पर सीटों को मूर्त रूप दे लिया है। जल्द पीपुल डोमेन में आप लोग के माध्यम से पहुंच जाएगा कौन दल कितने सीट पर चुनाव लड़े। जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं या जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, उन सवालों का उत्तर मैंने पहले भी दिया था, और मैंने यह भी कहा था कि व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत व्यक्ति
व्यक्तिगत जिद किसी भी दल के गठबंधन के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सामूहिक निर्णय होगा और निर्णय राज्य हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। हमने कहा बिहार में महागठबंधन 35 पार करेगी। जो लोग झांसे में लाकर करके बिहार वासियों को जो कहर ढाया था, उन चीजों से आहत बिहार के लोग माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, कुछ घरानों के माध्यम से आसमानी लहर भाजपा बता सकती है, पर जमीन पर जो भाजपा के खिलाफ जहर है आवाम के मन में, उसका प्रकटीकरण वोट के माध्यम में तब्दील होगा। क्योंकि कहर ढाई गई है आम पर, आवाम पर, किसान पर, नौजवान पर, और उन लोगों पर जो पॉलिटिकल पार्टियां लोकतंत्र और संविधान की बात की है, कोई भूल नहीं सकता। इसलिए मैंने जोर देकर के कहा कि देश में दो ही बात है, मुद्दा बनाओ मोदी। मुद्दा है आम आवाम का, नौजवान का, किसान का, देश का है, अर्थव्यवस्था का है, सबका है। मुद्दा तो तब उठाना है, बिल्कुल ठीक। ये मुद्दे जो आप गिनवा रहे हैं शक्ति, वो मुद्दे बिल्कुल जायज हैं, और वो मुद्दे अभी देखना है कि आप सड़क पर कितनी मजबूती से उठाते हैं। पर पहले तो सीटों का बंटवारा होना बाकी था, अब वो हो गया है ना, ये 26-9-5 यही है ना फॉर्मूला। नहीं, कोई भी, मैं ऑफिशियली तो जरूर आपको बताऊंगा जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पीपल डोगर में देंगे आप लोग के माध्यम से। अभी कोई फॉरकास्ट कर दो तो मुझे लगता है कि सामयिक भी नहीं है, ठीक भी नहीं, पर इतना है कि हम में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों ने सहमति के आलोक में सभी निर्णय हो चुके हैं, और जो पार्टियां हम पे आरोप लगा रही है, मेरे गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कलेश या किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है। जिन लोगों ने अपने गठबंधन के साथी को लात मारा, पहले सटाया फिर भगाया, वो लोग हम पर सवाल नहीं खड़ा करते। जिस दल को तोड़ करके दो टुकड़ों में तब्दील किया और फिर बाद में सटा कर करके आपने जिस तरह से अपमानित किया, ये बिहार है उड़ती। तो चलिए, आप तो पूरा सम्मान दे रहे हैं, ये कांग्रेस कांग्रेस कहीं कमजोर कड़ी तो नहीं साबित होगी? आप 5 से 6 सीटें देने को तैयार थे, अब 9 देने पर आपको भी कुछ मजबूर होना पड़ा, ये 2020 वाली कहानी तो नहीं हो जाएगी? वो 70 सीटें दी थी, 19 जीती लो विधानसभा में, अब भी 9 सीटों का गणित मोटा मोटा 63-64 सीटें, वही उतनी ही सीटें दे दी, ये मजबूरी में देनी पड़ गई? तो हम जान के किए, देखिए स्थानीय गुंडों आ गए, हम किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि अपनी जो पॉलिटिक्स है ना उसमें बहुत खराब, इसलिए हम अपने कहने के दिल हो गया ना। थोड़ा ऑडियो ठीक कीजिए शक्ति का। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, शक्ति भाई आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं अभी इस ऑडियो को ठीक कराता हूं। हमारे साथ पप्पू यादव भी जुड़ गए हैं, और पप्पू यादव एबीपी न्यूज पर आप आ रहे हैं। सवाल मेरा बिल्कुल सीधा, पूर्णिया को लेकर बीमा भारती को टिकट देने की बात अब खुलकर सामने आ गई है, बीमा भारती कह रही है कि नहीं मुझे टिकट दे दिया गया है। आप तो पूर्णिया से लड़ने वाले थे, अब क्या करेंगे फिर? सुधीर बाबू, मैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और स्नेह बनाए रखिए। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पूर्णिया कांग्रेस की मदर एक ताकत रही है। आजाद हिंदुस्तान के बाद 7 बार एमपी एमएलए में मेरी माँ भी चुनाव लड़ी, वो 32,000 से हारे। हमें पूर्णिया ने कभी हराया नहीं, और कभी आरजेडी ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा आज तक। मैं आरजेडी लीडरशिप के साथ हमेशा खड़ा रहा। मेरी बात सुन रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ लाउड एंड क्लियर। मेरी मैं हमेशा पिता की तरह आदर करता रहा। अभी नहीं, आपको याद होगा सुधीर बाबू, विपक्ष के नेता जिस वक्त हम पर बहुत बड़ा आरोप लग गए थे और मेरे घर तक को तोड़ दी गई थी, एक वोट के लिए लालू यादव जी विपक्ष के नेता बने थे, तब से लेकर, तब तो मैं ही पुत्र था, मैं ही बेटा था। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तब भी मैं ही बेटा की तरह रहा, और आज भी मैं बेटे की तरह हूँ। तो मेरी लालू यादव पिता तुल्य, लालू प्रसाद यादव ने अगर फैसला कर लिया तो वो मानेंगे पप्पू यादव, तो वही बात, या बागी हो जाएंगे? वही बात, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। मैं तो बेटे की तरह उनसे जाके भीख तो मांगा 9 तारीख को, उन्होंने जब हमको ज्वाइन मर्ज कराने की बात कही कि आप मेरे दल में मर्ज कर जाइए और मधेपुरा से लड़िए, मैंने तो हाथ जोड़कर पैर पकड़ के उनसे पूछिए, तेजस्वी जी भी थे और
संजय जी भी थे। मैंने कहा कि पूर्णिया छोड़ना मेरे लिए असंभव है, मेरे लिए मरने के बराबर हो जाएगा यदि मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा। तो 9 महीने से मैं पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया का कैंपेन चल रहा है। पूर्णिया का एक एक बैकवर्ड एक एक अपरकास्ट कोई जाति वहां पर घर है मेरा, मैंने वहां पर खेलना सीखा है जीना सीखा है। हाफ पेंट ही नहीं, हम छोटे से गोदी में पैदा यहाँ लिए। मधेपुरा मेरा गांव जरूर है, घर जरूर है। हम सिंहेश्वर ने MLA बनाया, सुपौल से मैडम 2 बार MP रही, राज्यसभा की MP है, सुपौल मेरे गांव में पड़ता है। लेकिन आप याद करिए सुधीर बाबू, पूर्णिया के बारे में हमसे पूर्णिया कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से आओगे, आप कौन जात है, आप किस धर्म के लोग ने तो नहीं पूछा। आपने जिक्र किया इस महीने की 9 तारीख को आप मिले थे ना लालू प्रसाद यादव से, आपने कहा कि 10:30 बजे रात, हाँ रात में 10:30 बजे वो तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई थी। तो आपने पूर्णिया की बात रखी, विलय करने को आप RJD में अपनी पार्टी के लिए तैयार थे, उन्होंने मना कर दिया। नहीं 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 नहीं, लालू यादव जी ने विलय के लिए कहा था, हमने कहा अभी हम पूछ के। हाँ वही, मतलब वो विलय करवाने के लिए आपसे कह रहे थे, पर अगले दिन आप कांग्रेस के पास चले जाते हैं, विलय कर लेते हैं अपनी पार्टी का। तो अब ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे आप। अच्छा सुधीर बाबू, संदीप है मेरा नाम, सुधीर चौधरी नहीं हूँ मैं, संदीप चौधरी। संदीप बाबू सॉरी प्रणाम, संदीप बाबू मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। आप तो पप्पू यादव को भाई की तरह सब दिन देखे हैं, सानिध्य की तरह। हमारी जो राजनीतिक जिंदगी है वो सेवा मदद और संघर्ष की रही है, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे दुनिया की कोई संकट हो। हमने कभी किसी इंसान से जाति धर्म नहीं पूछी, चाहे सेवा आश्रम हो, आप ही के यहाँ सेवा आश्रम चलता था, आपने सब कुछ दिखाया था। तो जो पप्पू यादव, हम लालू यादव जी के साथ जब भी वो लड़े या जब भी संकट में रहे, आप याद करिए हर क्राइसिस में खड़े रहे। तो लालू यादव आपको मधेपुरा से लड़ने के लिए कह रहे थे, कांग्रेस आपको पूर्णिया से उम्मीदवार के लिए अपना पूरा जोर लगाया नहीं, अब पप्पू यादव क्या करेंगे? सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं, 40 साल की जो राजनीतिक संघर्ष और जो मेरा 10 सालों से पार्टी जिसको मैंने बनाया, उसके पहले तो हम चीफ सेक्रेटरी LJP में थे, जनता दल में थे, उसको मैंने एक ऐसी आइडेंटिटी और एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जब हम गए प्रियंका गांधी जी के फोन के बाद, मेरे पास कौन से शब्द बचते हैं संदीप बाबू, जब उनका फोन आया और उन्होंने जस्टों की पप्पू जी जस्टों कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया ना, तो मेरी बात तो आप समझिए ना। मैं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो अब अगली राह क्या पकड़ेंगे, अनुशासित सिपाही की तरह बलिदान देंगे या नहीं, अपना पैर अंगद की तरह अड़ाए रखेंगे पूर्णिया पर, निर्दलीय लड़ जाएंगे? नहीं, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कह देता हूं कि मैं कांग्रेस को इस बात की पता थी कि प्रणाम पूर्णिया रैली 2 लाख से ऊपर की, सबको पता था कि पप्पू यादव पूर्णिया लड़ेंगे। पप्पू यादव हर घर से, हर भाई से, हर व्यक्ति से मिल चुके हैं, और कांग्रेस कहने की जरूरत, कांग्रेस में भी बागी हो जाएंगे आप। आपकी देखिए एक बागी तो, बागी की छवि तो है, आप बागी हैं। एक बात तो संदीप बाबू, जो आदमी अपनी जिंदगी को कोरोना में दांव पे लगा दे, सबने अपनों को छोड़ दिया और सबके अपनों को और रिश्तेदार को मैंने गले लगाया, लाश मैंने जलाए, 5 महीने मैंने भीतर रहा, हम तो पूर्णिया से लड़ेंगे कम वॉट में। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, बहुत क्लियर है। पार्टी का नेतृत्व का जो फैसला, अंतिम फैसला, 2 बात खाली मैं बता दूं, हम कांग्रेस को नंबर 1 करने आए हैं और कांग्रेस की ताकत बनने हम आए हैं एक सच्चे सिपाही की तरह। मैं आज भी अडिग हूं कि मैं किसी भी परिस्थिति में, मधेपुरा सुपौल घर है, कहीं भी कभी जीत सकता हूं, बिहार में कहीं भी जीत सकता हूं, पूरी बिहार की जनता एक बेटे की तरह मुझे देखती है। लेकिन पूर्णिया मेरी इबादत, मेरी मंदिर, मेरी पूजा, मेरी साधना है, और मैं भगवान के तरह एक भक्त यहाँ पर पूजा करता है। लड़ूंगा तो पूर्णिया, यदि कांग्रेस कह देगी कि छोड़ दीजिए नहीं लड़िए, पार्टी को हमें कह देगी, तो मैं किसी कीमत पर नहीं लड़ूंगा। यदि लड़ना होगा मेरे हाथ में कांग्रेस की, जो मैं आपकी बात समझा, आप बड़ी खबर दे रहे हैं, आप लड़ना चाहेंगे, हर कीमत पर लड़ना चाहेंगे पूर्णिया से, लेकिन कांग्रेस आला कमान कह दे कि पप्पू यादव मत लड़िए,
तो अनुशासित सिपाही की तरह आप मैदान से हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि मेरा जीवन का दफन अंतिम सांस कांग्रेस झंडे में होगी और मेरी अंतिम, कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस कहती है पूर्णिया से आप मत लड़िए, सुपौल मधेपुरा वो कबूल नहीं है, तो आप बीमा भारती, तो आप बीमा भारती का पूरा समर्थन करेंगे, तो बीमा भारती का पूरा समर्थन करेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता कि जब मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार, माँ अपने बच्चों को छोड़ ही नहीं सकता है, पहले कांग्रेस की फैसले तो मेरे लिए आने दीजिए, फिर आप वही बात कह रहे हैं, कांग्रेस के फैसले आने दीजिए। आप आरजेडी कभी लड़ी नहीं थी, 20 सालों से कहा थी पप्पू यादव यहाँ नहीं, नहीं कांग्रेस मना कर देगी तो आप मान जाएंगे ना भैया? कांग्रेस कांग्रेस हमसे संगठन का काम करने कहेगी ना? हर 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 हमारे हमारे मन पे जो पीड़ा है, जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट है पूर्णिया से, जो मेरा फीलिंग्स है पूर्णिया की जनता से, क्या मैं उसको छोड़ दूंगा? तब तो जहर खा लेना पड़ेगा मुझे ना संदीप बाबू। तो मतलब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे आपको फोन कर दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से मत लड़िए, तो आप संगठन को मजबूत करने में लग जाएंगे? राहुल गांधी जी सिर्फ प्रियंका जी के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति प्रतिबद्धता है मेरी, मैं और किसी की जरूरत मुझे नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं एक बार संकल्प के साथ अपने संघर्ष के जीवन को छोड़ा है, मेरे लिए चैलेंज है, हमें प्यार से ही कोई बात कर सकता है, कोई पूर्णिया की धरती पर पूर्णिया के बेटे को झुकाकर हमारी जिंदगी नहीं छीन सकता, ये याद रखिएगा। उस दिन मरना पसंद करेंगे, याद रखिएगा, कबीर भी थे होंगे, मैं कबीर से ज्यादा विद्रोही हूं अपने एक प्रिंसिपल के प्रति और पूर्णिया माँ के प्रति, वहां कोई कांग्रेस कहेगी तो हट जाएंगे मैदान से निश्चित रूप से। कांग्रेस के वो दो आइडियोलॉजी जिसके प्रति मेरा पागलपन है, दीवानगी है, उनके फोन जब आएंगे तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का संकल्प जो है वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव। तो शक्ति, आपने पप्पू यादव की बात सुनी, वो कह रहे हैं कांग्रेस कह देगी तो मैं मैदान से हटने को भी तैयार। तो एक बड़ी दरार, जो एक संभावित आशंका कहीं ना कहीं मन में हो रही होगी, वो भी दूर होती दिख रही है क्या? संदीप जी, समर्पण के भाव का अलंकरण और व्यक्ति की प्रतिबद्धता और जिद लड़ने की उन्होंने दोहराई है और पूर्णिया को मां कहा है, पूर्णिया को सलाम कहा है, हर जगह की चर्चा की, लेकिन मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल से जीते उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। खैर उनकी मर्जी, अब उन्होंने निर्णय लिया है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने स्वीकारा है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी तो मैं एक बिल्कुल अनुशासित सिपाही, मैंने इसलिए तीन बार वो सवाल पूछा, किस रूप में काम करेंगे, इनकी प्रतिबद्धता है, मैं सुन रहा था, प्लीज प्लीज संदीप जी, मैं सुन रहा था और मैं फिर दोहरा दूं आपको, देखिए कि पूरे अगर राजनीतिक सफर के कई प्रतिबद्धताओं को अगर आप देखेंगे तो प्रतिबद्धताएं बिल्कुल साफ साफ एकदम दर्पण की तरह देख सकते हैं कि कितनी प्रतिबद्धताएं कितनी कहां कहां स्पष्ट तौर पर दिखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने बिल्कुल ईमानदारी से इन बातों को कबूला है कि महागठबंधन ने बिल्कुल सहजता के साथ आपसी मेल के तहत हमने सीटों का बंटवारा भी किया है और उन सभी सीटों पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, थोड़ी सांसें तो अटकी हुई थी ना आपकी, अब ये उन्होंने जिम्मेदारी आला कमान पर डाल दी, थोड़ी तो सांसें अटकी होगी भाई, चार सीटों पर, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दबदबा तो है, आप उसे कम माने ज्यादा माने, थोड़ा बहुत असर करते हैं पप्पू यादव। मैं कोई माननीय मैं किसी के असर पर चुनौती नहीं देता। 2020 के चुनाव में अकेले वो पार्टी उनकी लड़ रही थी और हर जगहों पे लड़ी है, पूर्णिया भी लड़ी है, कटिहार भी लड़ी है, उन इलाकों में लड़ी है, आप सफलताएं भी गिने हैं, सफलताएं भी आप जाने हैं, हम उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है।
जितनी वरिष्ठता है, जितनी योग्यता है, योग्यता और वरिष्ठता पर कहां हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, न राजनीतिक सफर पर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिद पर भी हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हमने अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी प्रतिबद्धता को, तेजस्वी जी ने कहा कि ए टू जेड, और मैं बिहार के हित में, विकास के हित में, रोजगार के हित में जिस संकल्प को दोहराया है उसको लेकर के हम जा रहे हैं। और हम हर जगहों पर हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया नहीं, हमने स्थापित किया उन एजेंडों को जिस पर हमने काम किया। चलिए एक ये अड़चन तो हटी, पशुपति पारस को लेकर कुछ फैसला किया है आपने? दरवाजे तो आपने खोले थे। देखिए संदीप जी, कोई भी दल या कोई भी नेता किसी दल में आएंगे तो उनका फैसला होगा, और नेतृत्व उन विषयों पर सम्यक विचार करने के बाद उनका निर्णय होगा। जब कोई निर्णय इस संदर्भ में आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, पर मैं इतना आप जरूर कह रहा हूं कि जिन दर्द से, जिन पीड़ा से आज वो जूझ रहा है, जिन लोगों ने पीड़ा दी है, वो पीड़ा का तो कहीं ना कहीं रहमन या गरीब का कहीं ना निष्फल जाए, मरी खाल की सास से लो भस्म हो जाए। तो आपने पीड़ा जिनको दी है सटा कर करके, जिनका आपने इस्तेमाल किया, मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं, आपने जो कह ढाया क्या उससे आ निकलेगी? नहीं निकलेगी, उसका असर पड़ेगा। और संदीप जी इस बात को रेखांकित कर लीजिए, मैंने कहा है कि बिहार में एनडीए को वो कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आकलन आपने 35 पार का दावा भी ठोक दिया। एक और सवाल, ये अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद और छेदी पासवान सासाराम के सांसद, ये भी बागी हो रहे हैं, इनके लिए भी महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं क्या? देखिए बागी को महागठबंधन में जगह मिले ऐसी कोई हमारे पास कोई कार्य योजना नहीं है। बागी अपना काम करेंगे, जिनके घर में बगावत है वो बगावत का दंश वो स्वयं ही झेलेंगे, क्योंकि इनको दलितों को अथवा पिछड़ों को अपमानित करने का शुरू से ही इनके पास रहा है, फितरत रहा है। एक नहीं अनेक लोगों को, सहरवाज जी को भी अपमानित किया, किस तरह से ला करके खड़ा कर दिया, देख नहीं रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी में कैसे युग का शुरुआत हुआ है, कैसे लोगों की शुरुआत हुई है, किस भाव का प्रकटीकरण हो रहा है, किस संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिहार की जनता देख नहीं रही है क्या? अजय निषाद छेदी पासवान के लिए दरवाजे खुले हैं ना? तस्वीरें आप दिखा रहे हो, बोलते कहां है? नहीं नहीं आप एक बात, जिनकी तस्वीरें आपने दिखाए, जिनके साथ दिखाए, जिन्होंने कई बार कई चीजें कहा, उनकी तस्वीर तो बोलती नहीं है, सिर्फ तस्वीर है। तस्वीर आजकल बोल नहीं रही है, तस्वीर सिर्फ दिखाते आप है, तस्वीर के भाव उनके मुखमंडल से निकलता नहीं है। चलिए ठीक है, अभिषेक झा इंडिया का तो गठबंधन हो गया, पप्पू यादव का एक पेंच, वो भी अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान कह देगी, अब जिम्मेदारी कांग्रेस के खेमे में डल गई है, और वो उनको कहना पड़ेगा कि भाई आप मत लड़िए। पर आपके यहाँ बागी सुर थोड़े बुलंद होते दिख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बागी सुर नहीं है, हमारे पार्टी, हमारे गठबंधन ने मिल बैठकर समन्वय के साथ एकदम सही समय पर सीटों का बंटवारा कर लिया। ये महागठबंधन के लोग हमेशा कहते थे कि एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा अनाउंस कर देंगे, अब समय क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। आज पहले चरण के जो चुनाव हैं उनके नामांकन के लिए आज अंतिम तिथि थी, और आज तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, इनके उम्मीदवार ने अगर कहीं पर नामांकन किया है वहां पर इंडिया अलायंस के लोग नहीं पहुंचे हैं, ये भी दृश्य आपको सामने देखने को मिला। आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट अभी आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया? भाई हमारा तो हर कुछ पहले से तय रहता है। अच्छा, पहले से तय है। चुनाव प्रचार में हमारे नेता उतरेंगे तो अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के विषय में, अपने एजेंडे, विकास की जो नीति है उसके विषय में जब जनता को बताएंगे, और जनता अपने मतों से जब नहीं, अभी बहुत तो सारे सवाल हैं। और अभी आप पहले जैसे देखिए अभिषेक, पहले 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप एतराज दर्ज कराते थे ना, वाजपेयी के जमाने में इन चीजों को बैक बर्नर पर डाला गया था। अभी सीए की बात कर रही है बीजेपी, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछा। आपका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन गया ना कुछ चीजें, या हर चीज जो बीजेपी कह रही है आप उनसे मुतमईन हैं? आप भारतीय जनता, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे, हमारी पार्टी के लोगों, हमारे गठबंधन के लोगों से पूछे। हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है विकास, हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी हटाना, रोजगार के सुअवसर पैदा करना, गरीबी उन्मूलन, और कैसे बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों को आगे हम विकसित प्रदेशों के
श्रेणी में ला सके, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप कह रहे थे कि पप्पू यादव जी बहुत आज्ञाकारी नेता की तरह कांग्रेस पार्टी के विषय में बता रहे हैं संदीप जी कि अगर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो कांग्रेस मेरी माँ है, एक्स वाई जेड जो भी वो कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन रुक जाइए ना, सिंबल देने की तस्वीर तो वायरल हो ही चुकी है सोशल मीडिया पर, जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो यही हमारे सम्मानित पप्पू यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के विषय में कैसी कैसी बातें कहेंगे वो भी आपको अपने ही चैनल पर चलाना पड़ेगा। और कैसा ठगा हुआ महसूस करेंगे कांग्रेस पार्टी से, दोस्ती ना काहू से बैर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस नहीं, वो तो मैं समझता हूँ आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में। अब ये इंटरटेनमेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है ना कि कांग्रेस पार्टी जो खुद ना 3 में है ना 13 में, उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्हें कितनी सीटें कहाँ से मिल रही हैं, और उस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पप्पू यादव जी की छोटी सी पार्टी का विलय करा लिया अपनी पार्टी में इस उम्मीद में। भाई, हाँ भाई, कांग्रेस को 19 विधानसभा सीटें मिली, मैंने शुरू में कहा था कांग्रेस ने 19 विधानसभा सीटें जीती, आपने 43, आप 16 पर लड़ रहे हैं, वो 9 पर लड़ रहे हैं। गणित तो ठीक सही है, दोनों एक ही नैया में सवार हैं। जब आप कांग्रेस पर तंज कसते हैं थोड़ी अपनी ताकत को भी देखिए। वैसे गणित नहीं होता है। अच्छा, वैसे नहीं, राजनीति में, राजनीति में संदीप जी मेरा मानना है वैसे गणित नहीं होता है। अगर वैसे आप सोचिएगा तब तो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को शून्य शून्य सीटें मिली है, लोकसभा में 0 है ना, और कांग्रेस पार्टी 1 है ना, इसका मतलब लड़ना ही नहीं चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मुद्दा ये है कि हम विधानसभा के हिसाब से लोकसभा का आकलन थोड़ी करेंगे। ठीक है, और दूसरा अच्छा, पर ये बताइए वो ठीक है, डबल इंजन सरकार, विकास की दरकार पर आपने जोर दिया अभिषेक, ये जब डबल इंजन सरकार होती है एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और वो डबल भी हो सकती है। इसीलिए ना बीजेपी ने कोई ज्यादा अपने उम्मीदवार बदले, वही सांसदों को टिकट फिर से दे दिया, और वही हाल आपका। ये मजबूती है गठबंधन की या मजबूरी है? देखिए, अगर हमने उम्मीदवार बदल दिए होते तो स्क्रिप्ट चल रही होती कि भाई एंटी इनकम्बेंसी जो सांसदों के खिलाफ थी उससे पार्टी डर गई। अरे भाई, हमारे जो भी सांसद होते हैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक आधा जगहों पर पार्टी निर्णय करती है, संगठन निर्णय करता है, उम्मीदवार बदले भी जाते हैं, लेकिन सबके सब साझा उम्मीदवार। आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो कहीं डबल एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए। नहीं नहीं संदीप जी, डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, डबल पॉपुलैरिटी है, और डबल पॉपुलैरिटी की वजह से ही हम लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारे सामने जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो पिछला परफॉर्मेंस दिया वो शून्य पर दिया। और गठबंधन में जब दल शामिल होता है ना संदीप जी, उस वक्त जब सीटों का बंटवारा होता है, समन्वय बनता है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा आधार होता है किस दल के पास कितने प्रतिशत वोट बैंक आते रहे, किस दल से कितने लोग जुड़े हुए हैं, किस दल की विचारधारा से कितने लोग प्रभावित हैं। इन बातों के मद्देनजर गठबंधन होता है। गठबंधन का फॉर्मूला बताया अभी अभिषेक ने, तो इसीलिए आपको एक सीट मिली। आप तो थोड़ा सा ज्यादा चाह रहे थे, पर फिर थोड़ी सी दबाव की राजनीति भी की, पर अब बिल्कुल लॉयल सोल्जर की तरह खड़े हुए हैं नीतीश कुमार के साथ भी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी। ये भी ये मजबूती दे रहे हैं। फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, या ये आपकी अब मजबूरी हो गई है? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है संदीप जी। जब आप गठबंधन में होते हैं तो स्वाभाविक है, गठबंधन में समन्वय बनाना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है, स्वाभाविक है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में पुनः आ गए तो स्वाभाविक थी कि ये सब लोगों को कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन हमारे जो एनडीए एनडीए अलायंस है, देखिए कि उसके बावजूद भी कहीं भी समन्वय में दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों के तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि मेरे क्या एक्सपेक्टेशन थे, नहीं थे, कितनी पे बातचीत हुई थी, नहीं हुई थी। अंततो गत्वा, अंत भला तो सब भला, जिसको जो मिलना था वो मिल गया, वो सब पब्लिक डोमेन में है। किसी भी गठबंधन के लिए संदीप चौधरी जी, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी उतना, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री का ज्यादा वैल्यूएशन है पॉलिटिक्स में। तो हम लोगों के एनडीए अलायंस में आपको केमिस्ट्री भी नजर आ रहा है और हम लोग का मैथमेटिक्स भी बहुत स्ट्रांग है। वही दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में ना आपको केमिस्ट्री नजर आ रहा है, क्या केमिस्ट्री आ रहा है आपको सब पता चल रहा है कि क्या सिर्फ फुटबॉल वहां हो रहा है। यानी आज लास्ट दिन था बिहार के लिए, आज अंतिम दिन था, बाकी जगह के लिए तो कल ही हो गया था लास्ट डे नामांकन का, और अभी तक इन लोगों का फैसला नहीं हुआ। अभी भी आप जो चला रहे हैं उस सूत्र के माध्यम से चला रहे हैं कि सूत्र के हिसाब से कांग्रेस को इतनी सीट मिलेगी, आरजेडी इतनी सीटों पर लड़ेगी, एसीपीआई सीपीएम
इतने सीटों पे लड़ेगी, तो यहाँ ना केमिस्ट्री है, ना मैथमेटिक्स है, ना समन्वय है, कुछ भी तो नहीं आपके है। खेमे तो में जैसा आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स भी है केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री की जब बात होती है ना तो वो केमिकल लोचा भी हो जाता है, बीच में केमिकल लोचा भी तो था। उपेंद्र कुशवाहा, आप मेरे कार्यक्रम में न जाने कितनी बार कितने सवाल उठाए नीतीश कुमार को लेकर, अब आप साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं, तो असहजता तो नहीं है थोड़ी बहुत? नहीं देखिए, राजनीति में समय के परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन होते हैं, मैं ये मानता हूं उस चीज को। उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे, उस समय की स्थितियां और थी। आज की स्थिति में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने से तो मैं तो पप्पू यादव जी के प्रति सहानुभूति रखता हूं। मैं तो कहता हूं आप मत लड़िए चुनाव, 40 के 40 सीट इंडी अलायंस को हारना ही है। शक्ति भाई कितना भी कुछ कह लें, दावे तो चाहिए करनी भी चाहिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि करिए, लेकिन पप्पू यादव ना लड़े ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 40 के 40 सीट जो है एनडीए अलायंस को बिहार में मिलने जा रहा है। संदीप चौधरी जी 4 जून का इंतजार कीजिए, आप देख लीजिए जो इक्वेशन है, जिस तरह विकास की बातें हो रही है, डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह हम लोग संगठित हैं, प्रॉपर समन्वय है, एक स्वर में हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ऊपर, बेरोजगारी में जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये मेरे शब्द नहीं, ये आपके शब्द हैं माधव, मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको। मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं जहां कमियां हैं एज ए अर्थशास्त्री के रूप में, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन यह अर्थ नहीं है अगर कहीं कमियां हैं तो उस कमियों को भी दूर हम ही लोग मिलकर करेंगे। अगर शिक्षा का मैटर हो, चाहे स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे तमाम अन्य इंडेक्स की बात हो, जहां कमियां हैं कमियां जो सार्वजनिक रूप से है तो है, लेकिन उसको सुधारने की भी आवश्यकता तो है, सुधारेंगे, उसके लिए एक और मौका चाहिए, मौके कई मिल चुके हैं। लेकिन कन्हैया, अब इंडिया गठबंधन, पहले इंडिया की बात करते हैं, सारी सलवटे उलझने पेच सुलझ गए हैं क्या? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि कोई उलझन नहीं है वहां। क्या उलझन है? पप्पू यादव तो क्लियर कर दिए कि हम आला कमान के जो आला कमान कहेगा वो मानेंगे, तब कहाँ पेच है? कि ये जो बता रहे हैं माधवानंद जी, माधवानंद जी तो पिछले बार ये इन्हीं के कारण जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ गजबजा गए थे, इसीलिए वो तो एक सीट पर लड़ने के लिए तैयार थे, उनको एक सीट दिया गया था कि आप एक सीट पर लड़िए, नेतृत्व ने कहा था बीजेपी, लेकिन ये 5 सीट पर मान रहे थे। तो इस बार लेकिन दूध से आदमी का मुंह जलता है तो छाछ फूंक कर पीता है, तो इस बार बड़ा समझदारी का काम किया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि एक पर मान के, तो 3 तो ये मांग ही रहे थे, उम्मीद भी इसीलिए भागे भी थे, तय हो गया था। खैर, लेकिन मुझे जो लगता है कि इनके यहाँ अब छेदी पासवान जो है क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मित्र हैं, हमारी बातचीत उनसे होती है, वो क्या क्या मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, देखिएगा कल और परसों से क्या आता है। अजय निषाद जी का क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ भी अभी सारा पेच सुलझ थोड़े गया है। अभी जो आज ही जो है भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट मीटिंग हुई है, करणी सेना की बैठक हुई है, जिसमें उन लोगों ने भाजपा नेतृत्व के खिलाफ बहुत कुछ कहा है, तो ये जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव यहाँ, आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव यहाँ सर्वे सर्वा है, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे किसी की बात हो, सब वही है। नहीं, यहाँ पर एक जो सवाल कन्हैया भाई, अभी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे थे कि भाई अति पिछड़े भी साथ में, पिछड़ों को साथ रखा, मंडल कमंडल, सवर्ण और पिछड़े अति पिछड़े, वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन में साथ आते हैं। एक लिमिटेशन थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया की अगुवाई बिहार में आरजेडी कर रही है, कि MY तक सीमित। अब वो बाप भी जोड़ दिया है, जो तो वो माई बाप वाला काम, क्या दायरा, सामाजिक दायरा इंडिया का बढ़ रहा है, या वो एक लिमिटेशन है? नहीं नहीं, बड़े बीमा भारती क्या है, बाप ही में से है ना, माई के अलावा ही ना, वो जिस समाज से आती हैं उस एरिया में उनका वोट बहुत ज्यादा है। और एक चीज और बता दें कि अभी भाजपा का ये मिथिलेश तिवारी को हाला कमाने बनाया बक्सर वाले अश्विनी चौबे जी से, प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दो बार बात किया, और लगता है कि वहाँ सीट कहीं मिथिलेश कुमार जी के हाथ से निकल ना जाए। तो ये क्या है, ये
कोई अच्छी खबर नहीं है, ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक है उधर नहीं। अब मतलब कांटे की टक्कर है या दोनों तरफ से एक कन्हैया भाई जो दावे किए जा रहे हैं, शक्ति यादव कह रहे हैं 35 पार, माधव आनंद कह रहे हैं 40 की 40 इस बार, पर लड़ाई क्या कांटे की टक्कर हो रही है, लड़ाई किसका भारी दिख रहा है? मैं बराबर की टक्कर नहीं है, ऑफ कोर्स लेकिन इस चीज ऐसा नहीं है, ये 35 जीत जाएंगे, ये पार्टी के हैं वो भी पार्टी के अपने गए, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जो 19 में हुआ करता था, जो 19 में हुआ करता था वो तस्वीर नहीं है, लड़ाई है, कांटे की टक्कर नहीं है, पलड़ा अभी एनडीए का भारी, लेकिन अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो नामांकन ही भरे जाने हैं ना, आज नामांकन पहले चरण के लिए खत्म हुए हैं बिहार में, तो बिहार क्या कहेगा इस बार और बिहार में किसकी बहार। तो बात हो रही थी बिहार की, बिहार में इस बार किसकी बहार होने वाली है, गठबंधन अब मुकम्मल शक्ल अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। उबैद जायस हैं, अमेठी वासी हैं, इनका कहना है अगर खींचतान खत्म नहीं हुई तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब उन्होंने ये नहीं साफ किया किसके लिए कह रहे हैं, इंडिया या एनडीए, जबकि आलोक गर्ग हैं, बिसौली उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इनका कहना है राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, अभी पप्पू का खेल बाकी है या और बहुत सारे खेल हो सकते हैं, उनका इंतजार करना पड़ेगा क्या। आज इतना ही, नमस्कार।